हाँ फ्रेंड्स, वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डॉक्टर ऋग्वेद R7 होम्योपैथिक ड्रॉप्स के यूज के बारे में। फ्रेंड्स, तो आइए आपको बताते हैं कि डॉक्टर ऋग्वेद R7 होम्योपैथिक ड्रॉप का इस्तेमाल हम किन बीमारियों में करते हैं। फ्रेंड्स, पहली हेपेटाइटिस, दूसरी फैटी लीवर या लीवर की साइज बढ़ी हो तो, पेट में सूजन हुई तो, कब्ज में, कॉन्स्टिपेशंस में, भूख की कमी, मुंह के स्वाद का कड़वा अगर है तो उसके ट्रीटमेंट में भी करते हैं। गाल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली में अगर स्टोन है तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर ऋग्वेद R7 होम्योपैथिक ड्रॉप्स का। गैस और फ्लेटुलेंस के ट्रीटमेंट में भी हम R7 का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए डोज के बारे में जान लेते हैं कि इसे हम कितना लेंगे, कब लेंगे, कैसे लेंगे सारा। ठीक है, तो लेने का जो जरिया होगा वो आपका क्या है, ओरल कैविटी, मुंह के जरिए से आपको होम्योपैथिक से R7 को लेना है। और इसको मैक्सिमम आप 15 ड्रॉप्स ले सकते हो दिन में 3 बार, भोजन के पहले या भोजन के बाद में से ले सकते हो। लेने की अवधि जो होगी डॉक्टर के निर्देश के अथवा डॉक्टर के डायरेक्शन के अनुसार ही आपको लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं इसकी वार्निंग के बारे में। प्रेग्नेंट लेडी जो है उस पर इसका साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसका दुष्प्रभाव नहीं है, तो प्रेग्नेंट लेडी यानी गर्भवती महिला डॉक्टर ऋग्वेद R7 का इस्तेमाल कर सकती है। बेबी फीडिंग मदर्स पे इसका कोई मतलब रिसर्च नहीं किया गया, तो उनको लेना अगर होगा तो वो डॉक्टर से जरूर निर्देशन सलाह कर लें, उसके बाद लें। ठीक है फ्रेंड्स, लीवर किडनी हार्ट पे इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, वो बेझिझक पेशेंट इस दवा को ले सकते हैं। फ्रेंड्स, तो यह था डॉक्टर ऋग्वेद R7 होम्योपैथिक ड्रॉप्स के यूज के बारे में, उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, डोज के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स।